तो अब आज हम पढ़ेंगे कि इंटरफेरेंस में किस तरह से आप सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या है, इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न में ये देखा गया कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब यंग ने किया था, तो अलग-अलग कंडीशंस के लिए ये पैटर्न अलग-अलग तरीके से बना था। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस जब हमने अप्लाई कर दिए तो ये पैटर्न अलग अलग तरीके से बना था। ठीक है, तो उसने देखा कि इसमें एक ऐसा पैटर्न होता है जिसका नाम है स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, ओके। स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न का मतलब होता है कि जब आपका इंटरफेरेंस पैटर्न, ये जो पैटर्न यहां पर बन रहा है, ये पैटर्न जब आपका स्टेडी रहेगा, मतलब वेरी नहीं होगा, और डार्क और ब्राइट बैंड्स आपको क्लियरली विजिबल दिखेंगे, ऐसे पैटर्न को स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न कहा जाता है ना? तो ये इस तरह का पैटर्न है, इसको कहा जाता है स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, सो स्टेडी का मतलब हुआ कि जहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न स्टेडी हो, मतलब ब्राइट और डार्क बैंड्स आपके क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, तो आइए सो देखते हैं कि कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए क्या-क्या कंडीशंस की हमें जरूरत है, तो इसको यहां पर हम देखेंगे। तो देखिए सब लोग, सबसे पहला कंडीशन जो है वो ये है कि इसमें जो दो सोर्सेस है S1 एंड S2, सो वेव्स फ्रॉम, ये फटाफट लिख लेना आप लोग, आठ इसके कंडीशंस है। ये बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी के ऊपर एंट्रेंस में कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है। सो वेव्स फ्रॉम टू स्लिट्स या सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट, कोहेरेंट होनी चाहिए। कोहेरेंट का मतलब मैंने पहले भी समझाया है आपको, याद है आपको? कोहेरेंट का मतलब होता है सेम फ्रिक्वेंसी वाले, दोनों का सेम फ्रिक्वेंसी होना चाहिए। ठीक है, जब दो सोर्सेस आपके S1 S2 दोनों अगर सेम ही सोर्स से आ रहे हैं, एक ही सोर्स से हमने दो सोर्सेस अगर बनाए हैं, जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बनाए, तब जाके आपका ये जो पैटर्न बनेगा ये स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाएगा। ठीक है, सो द पैटर्न विल बी कॉल्ड एज स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। अगर अलग अलग फ्रिक्वेंसी के रहेंगे तो पैटर्न स्टेडी नहीं होगा। दूसरा पॉइंट कि ये जो सोर्सेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, सो ये मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, बोथ सोर्सेस शुड बी मोनोक्रोमेटिक। अभी मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है कि मान लो कि ये सोर्स है आपका, इस सोर्स में से बहुत सारे वेव्स बाहर निकल रहे हैं, तो जितने भी वेव्स इसमें से बाहर निकलेंगे, तो इसका वेवलेंथ अगर है λ1, तो सबका λ1 ही वेवलेंथ होना चाहिए। ऑल द रेज या वेव्स विच आर इमिटिंग फ्रॉम द गिवन सोर्स मस्ट बी ऑफ द सेम वेवलेंथ, सारे के सारे वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, सेम वेवलेंथ। ऐसा क्यों?
इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बेटे कि आपका जो पैटर्न बनता है वो पैटर्न में yn का फॉर्मूला होता है n lambda d upon d। क्या आपको ये याद है? जो आपका पैटर्न बनता है इंटरफेरेंस पैटर्न, उसमें yn का फॉर्मूला होता है n lambda d by d। इसमें lambda अगर बदलेगा मतलब एक lambda के लिए एक बैंड बनेगा, दूसरे लैम्बडा के लिए दूसरा बैंड बनेगा, तीसरे लैम्बडा के लिए तीसरा बैंड बनेगा, अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग बैंड फॉर्म होंगे। और अगर ऐसा है तो उससे इससे ऐसा होगा कि आपके बहुत सारे पैटर्न्स बनेंगे, बहुत सारे पैटर्न्स बनेंगे तो आप उसमें मार्कआउट नहीं कर सकते कि ये पहला पैटर्न है ये दूसरा पैटर्न है, किसी का डार्क बैंड किसी के ब्राइट बैंड में घुस जाएगा, है ना? और इसीलिए देयर विल बी नो डीमार्केशन, ठीक है? डीमार्केशन पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स को ही यूज करते हैं। फास्ट लिखो, ठीक है? उसके बाद टू इंटरफियरिंग वेव्स must be in same state of polarization, same state of polarization का मतलब क्या होता है? same state of polarization का मतलब होता है कि दोनों का प्लेन एक ही चाहिए। अगर किसी एक प्लेन में वेव जा रही है, मान लो कि ये ऐसा कोई प्लेन है जिसमें कोई वेव जा रही है, तो इसका जो इंटरफेरेंस है वो उसी प्लेन में दूसरे वेव के साथ होगा ना। अगर कोई परपेंडिकुलर वेव है तो उसके साथ थोड़ी ना होगा, दोनों का प्लेन एक ही होना चाहिए, सेम प्लेन। इधर लिख देता हूं सेम प्लेन, ठीक है? Both the waves must be in the same plane. ये इसका मतलब है। आगे बढ़े, same state of polarization का मतलब same plane. Very very simple. उसके बाद two sources must emit the light of same amplitude, दोनों का सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, मतलब ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी सेम ही हो जाएगा ना, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम चाहिए। इससे क्या फायदा होता है? ये जो चौथा पॉइंट हमने देखा कि दो सोर्सेस मस्ट एमिट द लाइट ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होने से क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि जब a1 equals to a2 रहेगा which is equals to a let's say, है ना, तो इससे Imax upon Imin जो होगा आपका Imax upon Imin, तो ये a1 plus a2 divide by a1 minus a2 ऐसा रहेगा, ये समझे? तो a1 plus a2 मतलब कितना बनेगा? ये 2a का स्क्वायर which is 4a square, और इधर 0। इसका मतलब जो मिनिमम इंटेंसिटी है वो कंप्लीटली 0 रहेगा, ये कंप्लीटली डार्क बैंड होगा, ये डार्क बैंड जो है कंप्लीट डार्क रहेगा, जो ब्राइट बैंड है वो कंप्लीटली ब्राइट रहेगा। इससे आपका पैटर्न एकदम क्लियरली विजिबल होगा, इससे क्या होगा? आपका पैटर्न क्लियरली विजिबल होगा जब दोनों के एम्पलीट्यूड्स सेम रहेंगे तब। क्या ये चार कंडीशन सबके समझ में आ गई? ओके, आठ है टोटल, कितनी है? आठ, ठीक है? ये चार हो गए अभी तक, तो ये पूरा इधर दिखाता हूं मैं आपको, ये चार कंडीशंस हमने देखी अभी, ठीक है?
पहला कौन सा देखा, ये वेव्स फ्रॉम द टू स्लिट्स शुड बी कोहेरेंट है ना, एंड ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बोथ द सोर्सेस शुड बी मोनोक्रोमेटिक, ये दूसरा कंडीशन देखा राइट। फिर तीसरा देखा टू वेव्स, टू इंटरफेरिंग वेव्स मस्ट बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, और उसके बाद हमने चौथा देखा टू सोर्सेज मस्ट इमिट द लाइट ऑफ सेम एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी। क्लियर, यहां तक समझ में आया सबके? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पांचवा कंडीशन, व्हाट इज द फिफ्थ कंडीशन, लेट अस अंडरस्टैंड। फिफ्थ कंडीशन है कि ये जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स शुड बी स्मॉल, मतलब स्मॉल डी जो है आपका ये स्मॉल होना चाहिए। क्यों ऐसा, ये डी स्मॉल क्यों होना चाहिए? क्योंकि आसान है बेटे, आपका जो बैंडविड्थ होता है वो होता है लैम्डा डी अपॉन डी। ये डी जितना छोटा रहेगा, ये अगर डी आपका छोटा रहा तो बीटा बढ़ जाएगा, इसका मतलब बैंडविड्थ बढ़ जाएगा, तो आपका पैटर्न विजिबल होगा ना। अगर डी बढ़ गया, इफ डी इंक्रीजेस, स्मॉल डी इंक्रीजेस, तो बीटा घट जाएगा, तो आपका जो पैटर्न है जो दिख रहा है आपको, उसके बैंड्स ऐसे बहुत छोटे 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 दिखेंगे, आपको दिखेगा ही नहीं कुछ। इसीलिए ये ज्यादा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, समझाए? उसी तरह सिक्स्थ पॉइंट, दैट डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन मतलब कैपिटल डी शुड बी लार्ज, ठीक है, ये लार्ज होना चाहिए। तो ये लार्ज होने से फायदा क्या होता है, इसका अप्रोक्सीमेशन भी अच्छा होता है ना, क्योंकि डी को जब लार्ज रखेंगे तभी तो अपने अप्रोक्सीमेट जो वैल्यूज आए थे वो सही आएंगे, ठीक है, और बेटा भी आपका बड़ा हो जाएगा। कैपिटल डी ऊपर देखो, कैपिटल डी यहां पर है, तो ये कैपिटल डी अगर बड़ा रहेगा तो बेटा भी बड़ा रह जाएगा, ठीक है, और पैटर्न आपको क्लियरली विजिबल होगा। फास्ट लिखो, नेक्स्ट नेक्स्ट है कि सोर्सेस मतलब स्लिट्स जो है आपके शुड बी नैरो इन साइज, ये आपके जो सोर्सेस है वो नैरो होने चाहिए। नैरो का क्या मतलब होता है, नैरो का मतलब होता है उनका उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा होना चाहिए, है ना, मतलब विड्थ, विड्थ की बात कर रहे हैं हम, स्मॉल विड्थ। हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, विड्थ की बात कर रहे हैं, स्मॉल विड्थ होनी चाहिए, छोटे विड्थ। अच्छा, छोटी विड्थ होने से क्या फायदा होगा, अगर विड्थ हमने छोटी रहेगी तो क्या फायदा होगा, उसे फायदा ये होगा बेटे कि एक ही सोर्स से बहुत सारे रेज एक साथ अगर पहुंचे तो ऐसा पॉसिबल है कि उसी जगह पर एक रे किसी एक सोर्स का हो और दूसरा रे दूसरे सोर्स का हो, इट इज पॉसिबल, तो ऐसा ना हो इसीलिए हमें इसको करना पड़ता है, ठीक है। और लास्ट के द वेव्स मस्ट ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, आपके जो वेव्स हैं वो सेम डायरेक्शन में जाने चाहिए, तभी पोलराइजेशन मतलब इंटरफेरेंस पॉसिबल है ना। ये सेम डायरेक्शन में जब जाएंगे तभी तो ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, राइट।
तो ये आठ कंडीशंस है जो बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जिनको हमने देखा। इसको कहा जाता है कंडीशंस फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये वो आठ के आठ कंडीशंस है, यहां पर पूरे दिखा रहा हूं एक साथ। दीज आर द टोटल एट कंडीशंस। तो इसको हमने आज पढ़ा, तो आज यहीं रुक जाते हैं। ठीक है, फिर से कल कंटिन्यू करेंगे इन्हीं कंडीशंस के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।